हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए कि हम खुदावन की प्रस्तुति कर पाए और उसके वचनों पर ध्यान कर पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की निंदा नहीं होने देनी, हालेलुया। हमारे जीवन से परमेश्वर का निंदा नहीं होना चाहिए, हालेलुया। हमारा जीवन खुदावन को महिमा लेकर आना चाहिए, हालेलुया। प्रभु के कलाम में पढ़े मत्ती का सुसमाचार 5 अध्याय उसका 14 आयत से पढ़िए, हालेलुया। मत्ती, तुम जगत की ज्योति हो। हाँ जी, तुम क्या हो? जगत की ज्योति हो। 5:14 पुस्तक मत्ती, तुम जगत की ज्योति हो। ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है। हाँ, 13 से पढ़ दीजिए, 13 से पढ़ दीजिए। तुम पृथ्वी के नमक हो। हाँ जी, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। हाँ, तुम पृथ्वी के क्या हो? नमक हो। यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो उसको फिर किस उपाय से नमकीन किया जा सकता है? सब चीज़ें तो नमक से ही नमकीन होती हैं, है ना? आप नमकीन भुजिया खाते हैं, आप नमकीन रोटी खाते हैं, तो नमक से ही उसको नमकीन बनाया जाता है। अगर नमक का ही स्वाद बिगड़ जाए तो फिर नमक को नमकीन कैसे किया जाए? कितना गंभीर बात लिखा हुआ, हमने कभी ध्यान नहीं दिया, है ना? नमक से ही सब कुछ नमकीन होता है ना। अगर नमक का ही स्वाद बिगड़ जाए तो फिर नमकीन किससे करेंगे नमक को? और तुम क्या हो? तुम ही नमक हो, खुदावंद का कलाम कहता, हालेलुया। मानो खुदावंद एक रेसिपी बना रहा है, एक डिश बना रहा है, कुछ सब्जी बना रहा है और उसमें आपको डालेगा वो नमकीन करने के लिए। और अगर आप नमकीन ना हुए तो सब्जी का भी स्वाद बिगड़ेगा। सब्जी भी बेकार तो नमक भी बेकार, नमक बेकार तो सब्जी भी बेकार। समझिए इस बात को, यदि आप में खुदावंद का टेस्ट नहीं है तो आपका जीवन जो है वो किसी काम का नहीं है। आप कहीं के लिए लिखा है, यहूदा इस्करियोति के लिए जैसे लिखा है, कहता उसका पैदा होना ही व्यर्थ था, कहता भला होता कि वो पैदा ही ना होता। मतलब इतना गंभीर है जिसका जीवन परमेश्वर को समर्पित नहीं है या जिसका जीवन परमेश्वर को महिमा नहीं लाता। नमक का यदि स्वाद बिगड़ जाए तो फिर वे किस वस्तु के साथ नमकीन किया जाएगा? और कुछ है ही नहीं नमक जैसी चीज, नमक से ही नमकीन होता। फिर आगे पढ़िए, फिर वह किसी काम का नहीं। हाँ जी, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए। केवल इसके के बाहर फेंका जाए, मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। यदि आप में परमेश्वर का स्वाद नहीं है तो खुदावंद आपका जीवन ऐसा कर देगा कि आप तुच्छ बन जाएंगे, आप रौंदे जाएंगे, मनुष्य आपको तुच्छ जानेंगे, हर जगह से आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आप हर जगह से निकाले जाएंगे यदि परमेश्वर का स्वाद आप में नहीं है। जिनमें परमेश्वर का स्वाद है उनके लिए लिखा, वो जिस काम में भी हाथ लगाएंगे वे सफल होंगे, वे निश्चय अपनी कमाई खाने पाएंगे, जिनमें खुदावंद का नमक है, जो खुदावंद के नमक है, हालेलुया। फिर आगे, तुम जगत की ज्योति हो। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है। हाँ जी, वह छिप नहीं सकता। हाँ जी, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। हाँ, तब दिया जला के पैमाने के नीचे नहीं, पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। हाँ, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके। तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर, कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। हाँ, कैसे परमेश्वर का नाम आदर पाएगा जाति जाति में, बताइए? आपके भले कामों को देखकर, जब आप रोशनी के जैसे चमकेंगे, अंधेरे सी चाल चलना बंद करेंगे, अंधेरे वाले काम करना बंद करेंगे, उजियाले में चलेंगे, तब आपके जीवन से खुदावन खुदा को महिमा मिलेगी,
खुदावंद आदर पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। लोग इन दिनों में जब हम लोग क्रिश्चियंस का, आज से कुछ समय पहले क्रिश्चियंस को लेकर लोग बातें करते थे कि क्रिश्चियन लोग बड़े अच्छे होते हैं, क्रिश्चियन लोग बड़े अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। कुछ सालों पहले तो ऐसा ही विचार था लोगों का। आज के समय में क्या ऐसा हुआ जो जाति जाति के लोग जो हैं वो ईसाइयों को, क्रिश्चियनों को बड़ा तुच्छ नज़र से देख रहे हैं। इन दिनों में मसीह लोगों का नमकीन जो स्वभाव है वो क्या हो रहा है, वो बिगड़ रहा है, और इसलिए मनुष्य के पाँव के नीचे रौंदना यहोवा ने शुरू कर दिया। कलीसिया के लोग अब मनुष्य के पाँव के नीचे रौंदे जा रहे, क्योंकि नमक की नमकीनता ख़त्म हो गई है, स्वाद ख़त्म हो गया। वो मसीह जीवन का स्वाद, वो आत्मिक जीवन का स्वाद, वो भलाई, वो नम्रता, वो दीनता ख़त्म हो गई। इसलिए आज के समय में अन्य जातियों का जो नज़रिया है हम मसीही लोगों को लेकर, वो क्या हो गया है, थोड़ा अलग हो गया है, क्योंकि हमने ही उसके नाम की निंदा की है, उसकी शिक्षा के अनुसार चले नहीं हैं। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय पढ़िए, पहला के दूसरा है, दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय 1 से पढ़िए। क्या हम फिर अपनी बढ़ाई करने लगे या हमें अन्य लोगों के समान सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी है? हमारी पत्री तुम ही हो। हमारी पत्री क्या है? तुम ही हो। पौलुस कहता है कि हमारे लेटर्स जो हैं, हमारा लेटर्स, ये जो लेटर्स कलीसियाओं को लिखे गए हैं, कहता वो तुम ही हो। लिटिल फ्लॉक की लेटर्स क्या हैं? हाँ जी, हाँ, आप लोग लिटिल फ्लॉक की लेटर्स हैं, आप लोग छोटे झुंड की चिट्ठियां हैं। छोटे झुंड के ऊपर जो प्रभु ने दास को ठहराया, उस दास की लिखी हुई चिट्ठियां हैं आप, और आपको लोग पढ़ेंगे, आपको लोग देखेंगे, आपको लोग पढ़ेंगे। पढ़िए आगे, पौलुस यहाँ पर कुरिन्थिया की कलीसिया को कह रहा है कि हमारी पत्रियां तो आप ही हैं। हाँ जी, जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई हैं। हाँ, जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई हैं, और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। हाँ, सब मनुष्य उसे क्या करते हैं, पहचानते और पढ़ते। दोबारा पढ़िए 2 आयत से। हमारी पत्री तुम ही हो। हमारी पत्री तो तुम ही हो, जैसे छोटे झुंड की पत्रियां आप सब हैं, देविस की पत्रियां हैं आप लोग, जो हृदयों पर लिखी गई है, आपके हृदयों पर लिखी हुई बातें, जो जो इधर से प्रचार होता है वो सब हृदय के ऊपर लिखा जाता है आपके। आप पता नहीं उसको फाड़ कर फेंक देते हो या पोंछ देते हो या साफ कर देते हो, बट मैं आपके हृदय पर लिख रहा हूँ कुछ, जो भी प्रचार कर रहा हूँ। आत्मिक रूप से देखिए, मैं इधर बोल रहा हूँ, आपके हृदय पर लिखा जा रहा है। उसको सब मनुष्य पहचानते भी हैं और पढ़ते भी हैं। पढ़िए, जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई हैं। हाँ, जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई हैं, और उसे सब मनुष्य पहचानते, सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं। आपके संबंध में जो लोग हैं, कहीं ना कहीं उनको पता ही होगा कि ये डेविस के साथ जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने मेरा चेहरा देखा, आपके घर पर संगति हुई, सबने देखा, सबको पता चल गया कि आप मेरे साथ जुड़े हैं। अब लोगों की नज़र में क्या है, ये डेविस की पत्रियां हैं, डेविस के लेटर्स हैं, और लोग ये बात जानते हैं और लोग उन पत्रियों को पढ़ते हैं। आपको पढ़ेंगे तो उनमें उनको डेविस का चरित्र दिखेगा, डेविस का चरित्र दिखेगा। बताइए, ऐसे ही है ना, जैसा गुरु वैसे चेले। हाँ जी, हम बात कर रहे थे कि किसी पास्टर को अगर किसी ने पीट दिया आके, तो कलीसिया वाले क्या करना चाहिए। अब ज़्यादातर कलीसियाओं में तो लोग बोलते हैं कि पास्टर जी आप डरो मत, हम हैं, हम संभाल लेंगे। तो अगर ऐसा कहीं पर भी दिख रहा है तो मानो गुरु ही वैसा है। गुरु ने चेलों को क्या किया हुआ है, वैसा ही तैयार किया हुआ। कोई आए ना मेरे पास भिड़ने के लिए, तो सामने खड़े हो जाना, फोड़ देना उनको, और बाद में हम माइक में बोल देंगे माफ़ कर दो इनको, क्षमा कर दो इनको, छोड़ दो। पहले पीट दिया, पहले दंद पान देते हैं, नाक तोड़ देता। दिल्ली में किसी ब्रांच चर्च में हमला हुआ और वहाँ पर विरोधी का नाक तोड़ दिया कलीसिया वालों ने। सुना न्यूज़ आपने, पुराना हो गया है अभी, लेकिन सुनिएगा, नाक तोड़ दिया जो आया था गुंडा, विरोधी आया था, उसका नाक तोड़ दिया,
वो पहले मार पीट के उसका नाक तोड़ दिया, पूरा ऐसे लव लुहान हो गया। बाद में जो प्रेरित साहब हैं वो माइक में आके थे, माफ़ कर दो उनको, क्षमा कर दो। हाँ जी, मार के क्षमा करना है? मार के तो क्षमा मांगनी है, पीटने के बाद तो क्षमा मांगनी है, फिर भी माफ़ कर दो हमसे गलती हो गई। मानो उस्ताद ही है वैसा। ये थोड़े दिन पहले एक और वीडियो आया, कलीसिया में से एक आदमी झपट कर पास्टर को पकड़ने के लिए उठ गया, और जो साथी हैं जो गवाहियाँ गुवाहियाँ बताते ना, पास्टर जी ये गवाही आई है, ये व्हील चेयर पर था, वो कहता पाओ इनू गड्डी च, कहना माइक ची बोल दे, कहता पाओ गड्डी च। समझ रहे हैं क्या चल रहा है? वो फिर सबके सामने हो गया, इसलिए पास्टर बोलता है, कहता नहीं 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 कुछ नहीं कहना इसको, कुछ नहीं कहना। हाँ जी, बाद में पता नहीं क्या किया होगा। उस्ताद ही वैसा होता है और चेले भी वैसे ही करते हैं। कलीसिया पत्रियां हैं प्रेरितों की, हालेलुया, आप सब लोग पत्रियां हैं इस छोटे झुंड की, आप छोटे झुंड की पहचान है, हालेलुया। तो क्या होना है फिर? फिर क्या होना है? फिर लोगों ने आपको पढ़ना है, लोगों ने कहना है, फिर प्रचार तो ऐसा करते हैं, सुनने वाले जो हैं वो ऐसे हैं। पौलुस एक जगह पर कलीसिया को लिखता है, कहता मेरी महिमा हो तुम लोग, कहता मेरे सर का ताज हो तुम लोग। पढ़ा है वो वचन? ये पूरा पढ़िए पहले। ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो सिहाई से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। जिसने हमें ये नहीं कि हम अपनी ओर से कुछ भी विचार कर सकें, हमारी योग्यता जो भी है, हम जो भी कर पाते हैं या करते हैं, वो सब परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। स्याही से नहीं लिखी है ये पत्रियां, कैसे लिखी है? जीवते परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखी गई हैं ये पत्रियां। किसी भी जगह पर कोई भी गलत काम करके देखिएगा, आपको यही सुनने में आएगा, ये सीखते हैं आप? हाँ जी, क्या हो जी? यही सुनते ना, यही कहेंगे लोग, ये सीखते हैं। मतलब आप सीख कहाँ से रहे हैं? फिर निंदा किसके सर पर आती फिर? हाँ, प्रभु का दास के सर पर ही निंदा आती है। पहला तसल्लियों 2:19, पहला तसल्लियों 2:19 पढ़िए। भला हमारी आशा, हाँ पौलुस कहता है, भला हमारी आशा या आनंद, या आनंद या बढ़ाई का मुकुट क्या है? हाँ, बढ़ाई का क्या मुकुट? क्या बढ़ाई का मुकुट? हालेलुया, ताज, प्रेज द लॉर्ड। फॉर व्हाट इज आर होप और जॉय, मेरी आशा क्या है? कहता हमारी आशा क्या है और जॉय, आनंद क्या है मेरा, और क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग है, आनंद, आनंद का मुकुट, बढ़ाई का मुकुट या आनंद का मुकुट, बढ़ाई शब्द वहां पर दिया गया है, यहाँ पर रिजॉइसिंग लिखा है, क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग, मेरी खुशी का मुकुट। क्या है खुशी का मुकुट बताइए? आगे पढ़िए। क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख, हाँ क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख, उसके आने के समय तुम ही ना होंगे, उसके आने के समय तुम ही ना होंगे। हालेलुया, कौन है हमारी बड़ाई का मुकुट बताइए? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कौन है हमारी बड़ाई का मुकुट? हमारे सर का ताज कौन है? हम सेवकों के सर का ताज कौन है? कलीसिया के लोग, प्रभु के लोग। जब आप परमेश्वर के नाम का महिमा लाएंगे तो हम भी उसमें आदर पाते हैं। आप बुराई करेंगे तो निंदा भी किसकी है फिर? पास्टर की, सेवक की निंदा है। क्योंकि कोई भी गलत काम करेंगे आप, यही फिर जवाब तो फिर यही सुनेंगे। ये सीखते हैं आप? कहाँ जाते हैं, कहाँ से सीख लेते हैं, कहाँ से सीखा है? है ना, संसारिक लोग भी ऐसे ही कहते ना, कहाँ से पढ़ा है, कौन से स्कूल पढ़ा है। तो आत्मिक दुनिया में भी ऐसा ही है, आप बुरा चाल चलन चलेंगे तो लोग यही पूछेंगे कहाँ से। और लोग जानते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जानते हैं कि आप इस छोटे झुंड के साथ संगति करते हैं। और यदि हमारे जीवन में परमेश्वर बुराई देखेगा, दुनिया बुराई देखेगी, तो हम परमेश्वर के नाम की क्या लाते हैं? निंदा लाते हैं। यहाँ पर पौलुस क्या कहता है? फॉर व्हाट इज योर होप और जॉय और क्राउन ऑफ रिजॉइसिंग, इज इट नॉट इवन यू इन द प्रेजेंस ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एट हिज कमिंग, हमारे प्रभु के आगमन पर आप लोगों ने
मेरे आनंद का जरिया बनना है। मैंने खुश होना है आपको देखकर, जब प्रभु का आगमन होगा तो मैंने आनंद मनाना है आपके विषय में कि हाँ मैंने इन पर मेहनत की है, अब ये परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, प्रभु मुझे इनाम देगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दोबारा पढ़िए इस आयत को। भला हमारी आशा या आनंद या बढ़ाई का मुकुट क्या है? हाँ, क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होंगे? हाँ, हमारी बढ़ाई और आनंद तुम ही हो। हमारी बढ़ाई और आनंद तो तुम ही हो। हालेलुया। इसलिए पहला कुरिन्थियों में वो क्या कहता है कि तुम लोग मेरी लिखी हुई पत्रियां हो, जिसको मैंने कागज कलम के साथ नहीं लिखा परंतु परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखा है। आज कलीसिया का नमक जो है, स्वाद जो है, वो बिगड़ा हुआ है। कलीसिया के लोग नशा करते हैं, कलीसिया के लोग व्यभिचार करते हैं, कलीसिया के लोग मंडियों में जाओ, मसीह लोग जो है मंडियों में कैसी कनक की, गेहूं की हेरा फेरी करते हैं, करते हैं कि नहीं करते बताइए, बोरियां चोरी करते हैं कि नहीं? और जिनके अधीन आप काम कर रहे हो, जब वो पकड़े तो आप क्या लज्जित ना होंगे? क्या मसीह का नाम निंदित ना होगा आपके साथ? नाम के पीछे लगाया हुआ ना, यकूब मसीह, पतरस मसीह, मैसी मैसी मैसी, तो जब मैसी गलत काम करेगा तो फिर है नहीं, फिर निंदा होगी परमेश्वर की। और परमेश्वर के निंदकों के लिए क्या रखा है? सावधान, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। क्या क्या लिखा है वो पढ़िए, 6:10 या गलातियों में। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। हाँ, धोखा ना खाओ, डू नॉट बी डिसीव्ड, गॉड इज नॉट मोक्ड। आगे, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है, हाँ, वही काटेगा। मनुष्य जो कुछ बोता है, देखो साथ में क्या लिखा हुआ, आप परमेश्वर के ठट्ठे का विषय बनेंगे। जाति जाति में परमेश्वर का नाम आपकी वजह से यदि अपमानित होगा, फिर क्या होगा? फिर जो बोएंगे, फिर भाई वो काटना भी पड़ेगा। गंभीर है ये बात जो लिखी गई, जो बोएगा वो काटेगा, मतलब परमेश्वर आपके ऊपर, सर के ऊपर, जैसे मजदूर के सर पर खड़ा होकर कटवाता है ना वो, वैसे परमेश्वर आपके सर पर खड़ा होकर कटवाएगा आपसे, काटो इसको, ये इतना गंभीर है। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, जो शरीर के लिए बोता है, वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। हाँ, वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। बताइए कौन सी कटनी काटनी है आपने, शरीर की या आत्मिक? आगे पढ़िए। और जो आत्मा के लिए बोता है, हाँ जी, वे आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हाँ, अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया। खुदावन कलीसिया के नौजवानों से भी कहता है, कहना कि लेट नो वन डिस्पाइज योर यूथ, कोई भी तेरी जवानी को तुच्छ ना जानने पाए। जवान क्या कर रहे हैं हम, कलीसिया के जवान क्या कर रहे हैं? क्या है आपकी जवानी? जवान ही है तकरीबन सारे, के बुढ़े हो गए जवान। क्या है जवानी हमारी? हाँ, जवानी में अपने क्रिएटर को, अपने बनाने वाले को याद करके चलना है। क्या चलते हैं हम? कहता कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जानने पाए। मसीही जवानों की जवानी जो है वो तुच्छ नहीं होनी चाहिए, वो तुच्छ नहीं समझी जानी चाहिए। मसीह जवानों की जवानी पवित्रता ही, नम्रता और दीनता की जवानी होनी, प्रेम और वचन में वे निपुण होना। आप जानते हैं प्रेरितों ने जब यहूदा की जगह पर मतिया को चुना तो एक चिट्ठी डालकर चुना, चिट्ठी डाली और चिट्ठी डालकर उन्होंने मतिया को चुन लिया। उसके बाद उन्होंने पाकरू पाया तो उन्होंने चिट्ठी नहीं डाली, उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने खोज की और क्या ढूंढे उनमें से, नौजवान ढूंढे उन्होंने खाना बनाने के लिए। क्या क्वालिटी थी उनमें? सबसे पहली सुनाम थे। पढ़िए वो प्रेरितों के काम 5:3 से पढ़िए। 6:3 इसलिए हे भाइयों, अपने अपने में से 7 सुनाम पुरुषों, हाँ, को, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को, जो पवित्र आत्मा, हाँ, और बुद्धि से परिपूर्ण हो, पवित्र आत्मा और बुद्धि से क्या हो, परिपूर्ण हो। हालेलुया। चुन लो, चुन लो, किनको चुनना है? 3 क्वालिटी बताई गई है, सुनाम, पवित्र आत्मा से, सुनाम माने अच्छा, जिनका अच्छा नाम हो, अच्छा चरित्र हो। हालेलुया, दोज हु हैव गुड नेम। फिर आगे, जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हों, बुद्धि से भरे हुए हों, ऐसे 7 पुरुषों को चुनो, नौजवानों को चुनो। फिर आगे क्या हुआ, कि हम उन्हें
इस काम पर ठहरा दें, कि हम उन्हें इस काम के ऊपर ठहरा दें, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। हाँ, प्रेरित कहते हम तो प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। हालेलुया। आगे ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी। हाँ जी, अच्छी और लगी। उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस फिलिपुस और हाँ, चलो चलो आगे छह वचन पे, इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया। हाँ, और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। हाँ, इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे, परमेश्वर का वचन फैलता गया और 25,000 फीस ले ली, ले हैंड है ना, फ्री वे, हाथ रखे और परमेश्वर का वचन फैलता गया। हाँ, और यरूशलम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ गई। आठ आयत पढ़िए, स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर, अब गिनिएगा लोगों, ऊपर ऊपर लिखा है वो सुनाम थे, दूसरा पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, तीसरा बुद्धि से भरे हुए थे, चौथा विश्वास से भरे हुए थे, और यहाँ पर लिखा है वे पवित्र विश्वास सामर्थ, पढ़िए आठ आयत, स्तिफनुस अनुग्रह अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण, सामर्थ से परिपूर्ण कितने हो गए, सुनाम थे, कितनी क्वालिटीज हैं, सुनाम थे, पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, बुद्धि से भरे हुए थे, विश्वास से भरे हुए थे, सामर्थ और अनुग्रह से, छह क्वालिटीज इधर बताई हुई। किसमें, प्रचार करने वाले में नहीं, किसमें, खाना बनाने वाले में, उन्होंने खाना बनाने के लिए ऐसे लोग चुने। आज जिसको देखा मुंह उठा के उसको खड़ा कर देते हैं, वो बाद में वो कहता कि दीवारों पर अपने हाथ चिपकाओ, जब तक मैं नहीं उतारूंगा तब तक उतरेंगे नहीं, लोगों की जेब से लोगों के बटुए में से सिक्के निकल रहे हैं, मैं चीप मैजिशियन वाले काम कर रहे हैं आज के पादरी लोग, जादूगरी वाले काम। प्रेरितों ने ऐसा नहीं किया, इन्होंने खाना बनाने के लिए भी, मतलब ऐसा नहीं कि साथ में खड़ा किया किसी को सेवक बनाने के लिए और जिसको जी किया उसको खड़ा कर दिया है, मैं कोई जीवन नहीं, कोई आत्मिक जीवन नहीं। इसलिए समझना है कि सेवा कितना गंभीर है। अगर खाना बनाने के लिए ऐसे व्यक्तियों को चुन रहे तो इधर खड़े होने के लिए कैसा जीवन चाहिए, समझ रहे हैं, ये वचन और प्रार्थना का सेवा के लिए कैसा जीवन चाहिए। आज के प्रॉफिट लड़कियों को फिर मैसेज करते हैं, कहते हैं कि मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, ऐसे जीवन लेकर कैसा खड़ा, किसने खड़ा कर दिया इनको सेवा के लिए। देखो हम भी वही बात कर रहे हैं, कहाँ से सीखे हैं ये, किसने सिखाया, कौन है इनका उस्ताद। वो सिस्टर, उनको किसी प्रॉफिट ने मैसेज किया, प्रॉफिट जी कहते हैं कि आप मेरी फ्रेंड बनना चाहेंगी, फ्रेंडशिप करेंगी मेरे साथ। कौन खड़ा करता है ऐसे नबियों को, यहोवा की ओर से तो नहीं है। ऐसों की वजह से यहोवा का नाम निंदित होता है और परमेश्वर छोड़ेगा नहीं ऐसों को, समझ में आ रहा हूँ। हर बात में हम सेवकों ने चौकस होना है। हम कहीं पर सेवा के लिए जाते हैं, अगर घर में बहन अकेली है तो हम बाहर गेट से ही पूछते हैं कि ब्रदर हैं घर पे। पहली बात तो ऐसे हम बिना फ़ोन किए बिना प्लानिंग के कहीं पर भी जाते नहीं, किसी को हम विजिट नहीं करते, कोई बुलाए तो ही जाते हैं। आदमी घर पर होना ज़रूरी है जब एक सेवक जाता है किसी के घर पर, ऐसा वचन में कहीं नहीं लिखा है, परंतु ये बुद्धि की बातें हैं। हालेलुया, बुद्धि देता ही यहोवा, समझ देता है। मैं रात को मेरा ये ट्राई रहता है कि मैं रात को 10 बजे के बाद बहनों का कोई मैसेज को जवाब ना दूँ। कल को कोई बहन स्क्रीनशॉट ले ले और फिर कहे देखो जी पादरी रात को आधी रात को मुझे मैसेज करता है। ये बुद्धि की बातें हैं, ये समझ की बातें हैं। कलाम में ऐसा नहीं लिखा है क्योंकि उस टाइम फ़ोन नहीं थे ना, होते तो परमेश्वर लिख देता, पर ये बुद्धि की बातें हैं। सेवा करते करते आपको चलते चलते सीख मिलती है। कहीं पर आप गए, घर में बहन अकेली है, और या तो बहन की बुद्धि बिगड़ गई या आपकी बुद्धि बिगड़ गई, हैं जी, या आसपास रहने वाले लोगों की बुद्धि बिगड़ गई, उन्होंने दोष लगा दिया, बात उठा दी, उस बहन का नाम भी खराब हो गया। ये सब बुद्धि की बातें हैं, समझ की बातें हैं। सेवका ही बड़ा गंभीर विषय है। हालेलुया, ये छोटी बात नहीं है। हमारा सेवा के द्वारा परमेश्वर का नाम निंदित नहीं होना, परमेश्वर का नाम आदर पाना है, परमेश्वर का नाम ग्लोरीफाई होना। हालेलुया। फिर बाद में वो पास्टर एक कहता है, पास्टर को बांध लिया उन्होंने पेड़ के साथ और उसको फिर मार गया, थापी है, कपड़े धोने वाली होती ना थापी, वो थापियों से उसको मार रहे हैं फिर पास्टर को। फिर वो कहते तुम्हें पास्टर कहते थे हम,
तुम्हें पास्टर बुलाया करते थे, घर में जाके बहनों को बोलते हैं प्रभु का आत्मा कहता है तुमसे शादी करना है मैंने, ये सब परमेश्वर के निंदक हैं। किसने खड़ा किया इनको सेवा के लिए? कौन खड़ा कर दिया इनको सेवा के लिए? यहाँ पर बुद्धि देखा गया, हालेलुया। सुनाम देखेंगे, सुनाम, जिनका अच्छा नाम है, अच्छा करैक्टर है लोगों के सामने, बढ़िया नाम है, हैं जी। वो पिछली बार पास्टर रमन आए थे, ये पिछले वाले घर के जो हैं सिस्टर वंदना सिस्टर, और वो पास्टर रमन इनके रिलेटिव्स थे, जो वीडियो बना रहे थे ना इधर सैटरडे फास्टिंग वाले दिन, पास्टर रमन इनके रिलेटिव थे। और पास्टर रमन इनके घर पर बाद में दोपहर में चले गए, और उन्होंने कई स्टेटस में भी देख लिया वीडियो में कि पास्टर रमन इधर आए हुए हैं। और कहता मुझे 7-8 बार 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 सिस्टर उनकी ने बताया कि ये बहुत अच्छा सेवक है, अब इसके साथ जुड़े रहना, इससे अलग नहीं होना, ये बहुत अच्छा सेवक है, 7-8 बार उन्होंने कहा। मैंने हार्डली कभी उनसे बात किया होगा, छत पर कभी कभी आते हैं तो जैमसी की बोल देते हैं, मिल लेते हैं थोड़ा बहुत रास्ते में आते जाते तो हम भी प्रेज द लॉर्ड जैमसी की बोल देते, इतना ही बस। कभी उनके साथ बैठे नहीं, कभी उनके घर पर मैं गया नहीं। ऐसे एक बार गया था जब पास्टर विनोद आए थे, बस इतना ही। कुछ चाहे आप बोलो चाहे ना बोलो, आपका नाम सुनाम पता चल जाता है लोगों, आप अच्छे सेवक हो या अच्छे भक्त हो, ये लोगों को ऐसे ही पता चल जाता है, समझ रहे। सुनाम ढूंढा, सुनाम, बुद्धि, आत्मा से परिपूर्ण, विश्वास से परिपूर्ण, सामर्थ और अनुग्रह से परिपूर्ण, ये 6 क्वालिटीज किन में? खाना बनाने वालों में, खाना बनाने वालों में, हालेलुया। और आगे चलकर ये स्टीफनस जो है, स्टीफन जो है, ये आगे चलकर प्रचार करता है, कलीसिया का पहला शहीद है, ये प्रचार भी करता है। देखो, प्रचार करने के लिए आपको डिग्री क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। गवाही दे रहा उधर इसराइलियों के बीच में खड़ा होकर, कहते जिसको तुमने सूली पर चढ़ाया ना, उसको फिर शुरू कर लेता आदम से, अब्राहम, इसहाक, याकूब से शुरू कर लेता, मूसा से शुरू कर लेता है, फिर आते 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 पूरा इतिहास, पूरा बाइबल बता देता उनको एक ही प्रचार में। एक ही प्रचार किया उसने, आखिरी प्रचार उसका एक ही प्रचार दर्ज है यहाँ पे। प्रचार किया इसराइलियों के बीच में खड़े होकर कि तुमने जिसको मार दिया ना, वही मसीह था। और बाद में उन्होंने पत्थर मारे इसको, इसका लहू बहा वहाँ पे, इसका लहू लेकर आया ये पौलुस को मसीह में। पौलुस को जो कांटा चुभता है क्या है वो? कुछ लोग रोग बताते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि उसके अंदर ये गिल्ट था कि मैं कलीसिया को सताने वाला हूँ, मैंने कलीसिया के लोगों को कैसे मारा पीटा, समझे। इसलिए हर पत्री में लिखता है, कहता सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। सो जानिए हम क्या सीखते हैं, क्या सुनते हैं, उनको हृदय पर लिखा करें, उसके अनुसार चला करें, ताकि परमेश्वर का नाम क्या ना हो, निंदित ना हो। नहीं तो फिर जो बोओगे वो काटना भी पड़ेगा आपको। पहले फिलिपियों 4 का 1 पढ़ दीजिए, वो पहला थिस्सलुनीकियों 2 का 19 के साथ मेल खाता है, इसलिए पहले पढ़ दीजिए 4:1। इसलिए, हाँ इसलिए, हे मेरे प्रिय भाइयों, हे मेरे प्रिय भाइयों, पौलुस कहता है फिलिपियों की कलीसिया को भी कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है। जिनमें मेरा क्या लगा रहता है? जी लगा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। हम सेवकों का, हमारे परिवार रिश्तेदारों में जी नहीं लगता, हम सेवकों का जी प्रभु के लोगों में लगता है, कलीसिया के लोगों में, जिनके बीच में हम सेवा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद, हाँ, जो मेरे आनंद और मुकुट हो। हालेलुया। देखिए दूसरी कलीसिया को भी यही कह रहा है, तुम ही मेरा आनंद और मेरा मुकुट हो। अगर बुरे काम करोगे तो यू आर माई लज्जा, यू आर माई शेम। इसलिए बुराई से दूर रहना, छल, कपट, झूठ, फरेब, धोखा, चोरी, निंदा, तमाम बुराइयों से क्या रहना? दूर रहना, कोई आपको देखकर निंदा ना करने पाए। हाँ जी, अब वो पढ़िए 23। मैं अपने बड़े नाम को खुदावंद खुदा कहते हैं पवित्र ठहराऊंगा जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया, जिसे तुमने उनके बीच अपवित्र किया। अब अपवित्र किया का मतलब हमने पिछले सप्ताह सीखा था, कैसे अपवित्र करते हैं,
आज्ञाओं को तोड़कर अपवित्र करते। जैसे मूसा को परमेश्वर ने कहा था कि तू चट्टान से बात करना, उसे आज्ञा देना और वो पानी देगा, और उसने लाठी घुमा के मारी उसको और क्या हुआ, पानी तो आया परंतु यहोवा की आज्ञा के उलट काम किया गया। यहोवा ने आज्ञा देने के लिए कहा था, उसने लाठी मारी, तब परमेश्वर क्या कहता है, तुमने सारे इसराइलियों के सामने मुझे क्या जाना है, अपवित्र। वो पढ़ लीजिए वो आयत कहाँ लिखा है। दूसरी बार परमेश्वर ने सिर्फ आज्ञा देने के लिए कहा था, वो उसका भी बड़ा भेद है। ये चट्टान कौन है, ये चट्टान कौन है? पौलुस इसके विषय में लिखता है कि ये चट्टान यीशु मसीह, ये एक ही बार मरेगा। कितनी बार मरेगा? एक ही बार मरेगा। दोबारा मारोगे तो दंड के योग्य तुम होगे। जो सच्चाई की पहचान करके बार बार पाप रिपीट करता है, वो यीशु मसीह को बार बार सूली पर चढ़ाता है। पढ़ते हैं ना कलाम में लिखा, हाँ जी, दोबारा लाठी मारने नहीं देगा उसको, दोबारा सिर्फ कहना है उसको। गिनती 20 का 10 आयत से पढ़िए दूसरी बार। मूसा और हारून, हाँ जी, ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया जी। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, दंगा करने वालों, देखो कलीसिया के लोग हैं, परमेश्वर के लोग क्या हैं, दंगा करने वाले। करते ना दंगा आज भी, सड़कों पर बैठकर तोड़फोड़ कर देते हैं, हाँ जी। फिर हे दंगा करने वाले, हाँ, सुनो क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? हाँ जी। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी, हाँ, चट्टान पर दो बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। हाँ। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, हाँ, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया है। और मुझे इसराइलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया। अब पढ़िए उधर इजिकियल 36 का 23, वही फिर से अब समझ में आएगा अशुद्ध कैसे ठहराते हैं हम परमेश्वर के नाम को। मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा, हाँ जी, जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया, जिसे तुमने उनके बीच अपवित्र किया, आगे, और जब मैं उनकी दृष्टि में पवित्र तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा, तब वह जातियां जान लेंगी। हाँ, करी जाओ जिन्ना मर्जी प्रचार, किसे ने नहीं सुनना, किसे ने नहीं समझना। कोई यहोवा को नहीं जान सकता जब तक नमक अपना स्वाद ना दे। किसने प्रकट करना है? परमेश्वर को, हाँ जी। कौन है रिप्रेजेंटेटिव परमेश्वर का? हाँ, कल्ला दास ही क्या जा है, कल्ला दास ही है रिप्रेजेंटेटिव, तुसी नहीं है। क्यों जी, कल्ला दास ही है? देखो यही पैरामीटर है साडा, यही दास नूं तां उस नज़र ना देखते हैं, अपने आप नूं नहीं देखते, हैं जी। हम सभी हैं खुदावन खुदा के रिप्रेजेंटेटिव, हम सभी खुदावन की पत्रियां जो आत्मा से लिखी गई हैं। हालेलुया। क्या मैं अकेला क्रिश्चियन हूँ? आप भी तो क्रिश्चियन हैं, आप भी तो मसीही कहलाते हैं, आप भी तो यीशु पर ईमान रखने वाले कहलाते हैं। हम सब के सब खुदावन खुदा के क्या हैं? रिप्रेजेंटेटिव है। हमें वो अपनी सूरत पर बना रहा है और खुदावन की सूरत दिखनी है लोगों को, हमारे चरित्र के द्वारा, हमारे स्वभाव के द्वारा, हमारे बातचीत करने के द्वारा। कलाम कहता है तुम्हारा बोलना और तुम्हारा बातचीत करना भी ऐसा हो मानो कलाम ही बोल रहे हो। ऐसा नहीं, जब कलाम बोल रहे तब तो कलाम मीठे शब्द, क्या बड़े गंभीर गंभीर शब्द आ रहे हैं, पर जब बात कर रहे हैं तो फिर ऊट पटांग की बातें। कहता बात भी ऐसे करो जैसे क्या बोल रहे हैं, कलाम ये पढ़ा है वचन में, मैंने भेजा था एक बार ग्रुप में, बात भी ऐसे करो जैसे कलाम हो। तो हमने परमेश्वर के नाम की निंदा नहीं करनी, हमने परमेश्वर के कहे अनुसार चलना। परमेश्वर का नाम अपमानित होने के विषय में खुदावन का आज्ञा भी है। कहता तुम मेरा नाम व्यर्थ ना लेना, उसका क्या मतलब है? क्या मतलब है व्यर्थ नाम लेने का? व्यर्थ नाम लेने का अर्थ ये नहीं है कि जैसे लाइट आ गई, हालेलुया, इसको व्यर्थ नाम लेना नहीं कहते। चलो ये भी व्यर्थ ही हुआ एक तरह से, परंतु व्यर्थ नाम लेने का मतलब क्या है? तुम कहना तो मानते नहीं हो परमेश्वर का, परंतु परमेश्वर 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 प्रभु 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 करते रहते हो। ये अर्थ है। यीशु मसीह उसको खोल कर बताते हैं, लूका 6:46 पढ़िए। जब तुम, हाँ, मेरा कहना नहीं मानते, जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते,
तो क्यों मुझे, हाँ तो फिर क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो, हे प्रभु कहते हो। कहना तो मानते नहीं, इसका मतलब क्या है? ये आपकी हे प्रभु क्या है? व्यर्थ नाम ले रहे हो, क्योंकि प्रभु सिर्फ उन्हीं का प्रभु है जिनके जीवन में उसकी प्रभुता होती है, जिनके जीवन में वो एक्चुअली प्रभु है। प्रभु माने लॉर्ड, मास्टर, किंग, लीडर, जिसकी चलती हो उसको प्रभु बोला जाता, स्वामी। हालेलुया। क्या आपके जीवन में उसकी चलती है? यदि नहीं चलती तो फिर वो आपका प्रभु है नहीं, फिर आपका प्रभु कौन है? या तो आप खुद ही हो या फिर शैतान है, ये समझना हमने। यीशु मसीह कहते हैं, तुम मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो, और जो मैं कहता हूँ वो तो करते नहीं हो। इसलिए सावधान हो जाइए, कहीं ऐसा ना हो हम आस लगा के बैठे हों कि प्रभु का आगमन होगा और हम उसके साथ उठाए जाएंगे और हमारे साथ ठीक मौके के ऊपर धोखा हो जाए और हमें लगे कि मैं तो जाऊंगा ही, मैं तो बचा हुआ हूँ। वंस सेव्ड इज ऑलवेज सेव्ड, ये सही धारणा नहीं है। आपको आपकी मुक्ति का काम करना पड़ता है, आपको प्रभु के पीछे चलना पड़ता है, आपको निंदा, चुगली, बदनामी ये सब छोड़नी पड़ती है, आपको धोखा देना, छल करना, लोभ लालच करना ये सब छोड़ना पड़ता है, चोरी करना, व्यभिचार करना, हत्या करनी, ये सब चीज़ें आपको छोड़नी है। छूटेंगी तो जाएंगे। एक बार वो किसी पास्टर के पीछे पीछे आपने, प्रभु मैं तेरे पास आता हूँ, प्रभु मैं मन फिराता हूँ, मैं तौबा करता हूँ, वो पीछे पीछे पादरी के जो प्रार्थना बोल दी तो वो आपको लगता हम बच गए, ऐसा नहीं। वो शुरुआत हुई है आपके उद्धार की। उद्धार एक प्रोसेस है जो स्टेप बाय स्टेप पूरा होता है। आप तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, हाँ जी, पवित्र आत्मा पाते हैं। पवित्र आत्मा क्यों पाते हैं? इसी अध्याय का 26 आयत भी पढ़िए, 27 आयत, ये वही है, 36 का यज़कियेल, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे। हाँ, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे, कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे। खुदावन खुदा ने आत्मा क्यों दिया है हमें? ऐसे करने के लिए। बोलिए, आत्मा क्यों दिया है? उसकी विधियों पर चलने के लिए दिया है। आपने कुछ और ही मतलब निकाल लिया इसका। क्यों दिया है? भीतर में आत्मा, पहले भीतर में नहीं देता था, ऊपर देता था। खुदावंद किसी वेसल को पकड़ता था, उसके ऊपर अपने आत्मा को उंडेलता था, उसके जीवन के ऊपर छाया रहता था, आत्मा मंडलाता था उसके ऊपर, अंदर नहीं आता था जब तक यीशु मसीह का लहू नहीं बहा और लहू से अंदर की पूरी सफाई नहीं हुई। खुदावंद का आत्मा अंदर नहीं आ सकता है। हालेलुया। जब लहू से, यीशु मसीह के आला लहू से, जो जानवरों और पशुओं के लहू से ऊपर का लहू है, उस लहू से जब हमारे अंदर की सफाई हुई, तब खुदावंद का रूह भीतर आता है, अंदर आता है, बसता है, वास करता है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, मैं जाऊंगा और पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजेगा, अर्थात वह सच्चाई का आत्मा जो तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। पुराने नियम में दाऊद को, शमशून को, जो जो भी परमेश्वर के भक्त लोग थे, उनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा आता था और अपना काम पूरा करके लौट जाता था। परंतु नए नियम में यीशु मसीह के पाक लहू के द्वारा, हमारी अंदर की सफाई होने के द्वारा, वो हमारे भीतर दिया है खुदावन ने। और उसका मकसद क्या है? उसका मकसद क्या है? उसका मकसद है, जो पुराने नियम में लोग आज्ञाओं को मानने में असफल हुए हैं, अब एक सहायक अंदर दिया गया, वो तुमको चलाएगा उन आज्ञाओं के ऊपर। बताओ, यहोवा की आज्ञाएं कठिन है? हैं जी। पाखरू काम क्या करता है? वो आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम भरता है, परमेश्वर के साथ आपके प्रेम को बढ़ाता है। हालेलुया। और प्रेम आपको आज्ञाओं पर चलने के लिए विवश करता है। नहीं, मेरा प्रभु, हालेलुया, दुनिया देखेगी करके नहीं, मेरा प्रभु है, वो मेरा प्रभु है, वो मेरा स्वामी है, वो मेरा प्रिय है, मेरा मीत है। हालेलुया। मैं उसका कहना मानूंगा। हालेलुया। खुदावंत की आज्ञाएं कठिन नहीं है। ये कठिन मार्ग किनको लगता है? जो संसारिक चीजों में उलझे हुए हैं उनके लिए कठिन है ये, परंतु जो प्रभु से प्रेम करता है
उसके लिए ये मार्ग कठिन नहीं है, वो आनंद से चलता है। संसारिक लोग अपनी सलीब को घसीट कर चलते हैं, परंतु प्रभु के प्रेमी सलीब को कंधे पर उठाकर चलते हैं। हालेलुया। पहला यूहन्ना 5:3 पढ़िएगा। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है, हाँ, कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। हाँ, परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी क्या माने? आज्ञाओं को माने। आज्ञाओं को माने। हालेलुया। आगे, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। वो संसार पर जय प्राप्त करता है। क्या उत्पन्न हुआ है परमेश्वर में? ये प्रेम जो आपका परमेश्वर के साथ है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आके हमारे अंदर पत्थर के दिल को निकाल कर मांस के दिल को डालने का मतलब क्या है? जो हार्डन है, जो अनफॉरगिवेबल अनफॉरगिविंग हार्ट है, किसी को माफ किसी को क्षमा ना करने वाला हृदय है, जो कड़क हृदय है, क्रोधी है, किसी की छोटी 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 बात पर भी क्रोधी हो जाता है, खुदावन का रूह आकर उसको ऐसा मांस का हृदय ऐसा सॉफ्ट हार्ट बना देता है कि वो सब क्षमा कर देता है, उसको फिर रहती नहीं दुनिया की कुछ। परमेश्वर के साथ उसका नाता जुड़ जाता है, वो परमेश्वर के साथ उसका संबंध जुड़ जाता है, फिर परमेश्वर की कोई भी आज्ञा उसको कठिन नहीं लगती। बताइए कठिन है कि नहीं है? हाँ जी, मुश्किल है? परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन है? बताइए। संसार में मन लगा है तो फिर कठिन है, संसारिक चीजों में मन लगा है तो फिर कठिन है, शारीरिकता में फंसे हुए हैं, हाँ उसने कुछ कह दिया, उसने कुछ कह दिया, अब मैं क्या कहूँ। अगर ऐसी बातों में ही पड़े हुए हैं तो फिर आपके लिए तो फिर कठिन ही है, आपके लिए उधर घुसना भी कठिन होगा फिर। हालेलुया। ऊंट घुस जाएंगे उसमें, ऊंट घुस जाएंगे, आप रह जाओगे। ऊंट माने जो बहुत बुरा जीवन जिए हैं वो चले जाएंगे, परंतु आप जो आधा इधर हैं आप रह जाएंगे। कितने लोग यतन से घुसना चाहते पर यीशु मसीह कहते हुए घुस नहीं पाए, परमेश्वर छांटी मारेगा। आप बताएं लिटिल फ्लॉक सारा का सारा जाएगा प्रभु में, स्वर्ग में? बोलो हम सभी जाएंगे, जोर से बोलो जाएंगे। यकीन ही नहीं है आपको? जाएंगे। हालेलुया। जाएंगे कहाँ जाएंगे? हैं, उत्तम देश में। हालेलुया। नए होगे तो नए यरूशलम में जाओगे, नए बनोगे तो नया जीवन पाओगे। हालेलुया। खुदावन कहता है देख मैं सब कुछ नया करने जा रहा हूँ, नया जन्म हमारा होता है आत्मा और जल के द्वारा, फिर हम नया जीवन पाते हैं, फिर हम नई सृष्टि हो जाते हैं, फिर आगे चलकर परमेश्वर इस धरती को भी नया कर देगा, नई धरती और नया आकाश हो जाएगा, और उस पर वही जाएगा जो इधर रहते रहते नया बना है। दिल अभी भी पत्थर ही है तो फिर कैसे नए तो हुए ही नहीं हम। आत्मा अंदर आया पर उसको हमने कुछ करने ही नहीं दिया अपने जीवन के अंदर, और वो शांत होकर बैठ गया है, कईयों को तो छोड़कर चला जाता है। खुदावन्द का कलाम कहता है आत्मा को ना बुझाओ, हमेशा याद रखें मैंने परमेश्वर के पीछे चलना है, मैंने परमेश्वर के नाम की निंदा नहीं बनना। हालेलुया। अब्राहम के विषय में हम पढ़िए वचन, अब्राहम के विषय में एक कलाम मैं परसों पढ़ रहा था, 26:5 उत्पत्ति 26, फिर हम प्रार्थना करेंगे, अब्राहम के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। 26:5 उत्पत्ति में पढ़िए। क्योंकि, हाँ, क्योंकि परमेश्वर कहता क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं विधियों और व्यवस्था का पालन किया। देखो कितनी कितनी चीजें, अब्राहम ने मेरी मानी और जो भी मैंने उसको सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं विधियों और व्यवस्था का पालन किया। अब व्यवस्था तो मूसा ने दी है, इसने कौन सी व्यवस्था का पालन किया? व्यवस्था शुरू से ही वही है, व्यवस्था आज भी वही है, तब व्यवस्था विवेक के ऊपर लिखी गई थी। रोमियों की पत्री में लिखा है, शायद इब्रानियों में, पता नहीं रोमियों में, कि व्यवस्था जो है 2 अध्याय में व्यवस्था हृदय के ऊपर लिखी गई है। पहले व्यवस्था मूसा की 5 किताबों के रूप में नहीं थी,
पहले व्यवस्था यहोवा विवेक के ऊपर लिखता था। यूसुफ को कैसे पता कि यह व्यभिचार करना यहोवा के विरुद्ध पाप करना है? कैसे पता? व्यवस्था हृदय के ऊपर लिखी गई, विवेक के ऊपर लिखी गई। विवेक में उनको पता चलता था कि नहीं ये गलत है। उनका विवेक अंदर से आती ना हल्की सी बात, नहीं ये गलत है, वो विवेक चलाता है। हालेलुया। चाहे कलाम जानते चाहे नहीं जानते, अंदर एक विवेक है जो आपको गिल्टी या फील कराता है, नहीं तूने गलत किया। उसकी सुना करे आवाज। लिखा है अब्राहम ने मेरी मानी, जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं को विधियों को और व्यवस्था का पालन किया। उसने अब्राहम के विषय में परमेश्वर गवाही देता कि अब्राहम ने सारी बातें मेरी मानी है। नूह के विषय में लिखा है नूह ने परमेश्वर की सारी बातें मानी है। मूसा के विषय में लिखा है कि मूसा ने परमेश्वर की सारी बातें मानी हैं। यहोशू के विषय में लिखा है कि जो आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा को दी थी और जो मूसा ने फिर यहोशू को दी थी, उनमें से एक भी आज्ञा बिना पूरा किए यहोशू ने छोड़ा नहीं। 11:15 में लिखा है यहोशू, ये प्रभु के संतों ने एक भी आज्ञा नहीं छोड़ी। कैसे चले ये? खुदावंत के रूह ने चलाया इनको। हालेलुया। खुदावंत का रूह चलाता है। अब्राहम ने परमेश्वर की सारी बातें मानी और परमेश्वर इसे ब्लेस करते हुए पता कि क्या बोलता है? कहता है कि मैं मेरे इसके जाने के बाद ये अपने बच्चों को भी सिखाएगा कि मेरे पीछे चले, ये भी चलेगा और ये अपने मरने के बाद अपने बच्चों को शिक्षा दे कर जाएगा। ये मरने से पहले यानी कि बच्चों को सिखा कर जाएगा कि यहोवा को ना भूलना। सिखाया उसने इसहाक को, याकूब को शिक्षा मिली। हालेलुया। फिर याकूब परमेश्वर के साथ रास्ते में वाचा बांधता है, कहता है यदि तू मेरे रास्ते में मेरे साथ हो और मुझे अन्न दे खाने को और पहनने को कपड़ा दो तो तू ही मेरा परमेश्वर होगा। परमेश्वर ने उधर से उसको बहुत धनी बनाकर वापस लेकर आया। हालेलुया। क्या कभी याकूब यहोवा को छोड़ा? फिर नहीं छोड़ा। हालेलुया। तो हमारा जीवन खुदावन के साथ अच्छा रिश्ता जुड़ना है, अच्छा संबंध जुड़ना है और हमारा परमेश्वर, हमारे परमेश्वर का नाम का हमने निंदा नहीं बनना है। हमने परमेश्वर के नाम की निंदा नहीं बनना। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर। सब प्रार्थना करें। जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, तुझे थामे चलूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा। धन्यवाद हो प्रभु। खुदावंद आपकी स्तुति। अपने आप को परमेश्वर के सामने दे, उसे प्रार्थना करें। जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, छोड़ूंगा ना मैं साथ
तुझे थामे चलूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा। मेरी बातों पे तू ध्यान लगा, अपनी सोचना लगा, मेरी बातों पे तू ध्यान लगा, मत अपनी तू सोच लगा, मैं सिखा जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा। तुझे थामे चलूंगा, तुझे थामे चलूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी संभाले चलूंगा, मैं संभाले चलूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा, जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा। छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, तुझे थामे चलूंगा, तुझे थामे जैसे मैं मूसा के साथ था तेरे भी चलूंगा, जैसे मैं तेरे भी। यहोशू की पुस्तक में खुदावंद का कलाम कहता है, खुदावंद यहोशू से कहते हैं कि जैसे मैं मूसा के साथ था मैं तेरे भी साथ रहूंगा। क्या परमेश्वर ने यह सिर्फ मूसा से कहा? नहीं, खुदावंद हमसे भी कहता है, जो जो उधर शर्तें लिखी व्यवस्था की, यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना अलग हो, इसी पर ध्यान करना, ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, दिन रात इसी पर ध्यान करना। हियाव बांध और दृढ़ हो जा। जो जो व्यक्ति ऐसा करता है, खुदावंद के कलाम को सीने से लगाता है, यह वायदा उसके लिए भी। सोचना के मैं दूर हूं, मैं तो तेरे पास हूं, सोचना के मैं दूर हूं,
मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। जैसे मैं तेरे भी चलूंगा। छोड़ूंगा ना, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा। तुझे था मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा। तुझे था मैं चलूंगा, तुझे था मैं चलूंगा। खुदावंद आपके अजीम वायदों के लिए, कीमती वायदों के लिए शुक्रगुजार होते खुदावंद, शुक्रगुजार होते खुदावंद, शुक्रगुजार होते खुदावंद। हालेलुया, शुक्रगुजार होते मेरे परमेश्वर यहोवा, शुक्रगुजार होते खुदावंद। आपके नाम की प्रस्तुति करते खुदावंद, हालेलुया। आपकी सना गाते खुदावंद, आपकी महिमा गाते खुदावंद। खुदावंद हम सिर्फ आपके गीत ना गा, बल्कि हमारा जिंदगी खुदावंद आपके लिए हो। खुदावंद हमारा जीवन आपके लिए हो, खुदावंद हमारा जीवन आपके लिए हो मेरे परमेश्वर खुदावंद। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं खुदावंद। तमाम बातों के लिए शुक्रगुजार होते हैं प्रभु। लोगों के सामने हमें एक अच्छा आदर्श बनाए प्रभु। लोग हमें देखकर खुदावंद आपकी प्रस्तुति करें खुदावंद। लोग हमें देखकर हमारे परमेश्वर की बड़ाई करें। हालेलुया, ऐसा जीवन आप हमें दीजिए मेरे परमेश्वर यहोवा खुदावंद। धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए, आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु। धन्यवाद हो खुदावंद, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद इस समय आप एक एक जन को छुएं खुदावंद, जो आपकी हजूरी में बैठे हैं खुदावंद। इन सबों के ऊपर आपकी करुणा हो प्रभु। खुदावंद जो ऑनलाइन सुन रहे हैं प्रभु, सबों के ऊपर आपकी करुणा हो प्रभु। जो खुदावंद यूट्यूब फेसबुक के द्वारा सुन रहे हैं खुदावंद, सबके ऊपर आपका अनुग्रह हो प्रभु। खुदावंद आप इन सबों को अपने भय में चलाएं, अपनी इच्छा पर चलाएं खुदावंद। आपके कलाम के अनुसार चलने के लिए आप फजल दें प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह की दया और पवित्र आत्मा की संगति यूं ही हमारे साथ बनी रहे, आमीन 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 आमीन। हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।